तो वेलकम टू ऑल। आगे क्या सब लोग कितने 18 लोग हैं सिर्फ, बाकी लोग कहाँ गए? आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, तो जो कंटिन्यूसली एब्सेंट रहेगा यू मे फेस सम कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, मेरी आवाज आ रही है? ओके, और स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दी पास्टराइजेशन। सो मैंने पास्टराइजेशन लास्ट लेट किया है, तो इसको हम थोड़ा देखेंगे डिटेल्स में, बिकॉज इससे पहले जो टॉपिक्स है लाइक क्रीम सेपरेटर, इससे पहले सिलेबस में होमोजेनाइजर है, इससे पहले और थोड़ा पाइपिक्स, पाइपिंग वगैरह, गैसकेट्स वगैरह, उनका मटेरियल क्या है, वो चीज इससे पहले आती है। बट मैंने सोचा कि पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, लाइक पास्चराइजेशन हो गया है, डेयरी इंजीनियरिंग में पास्चराइजेशन या पास्चराइजर बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आई थॉट कि पहले इसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं, तो इसमें सारा कवर हो जाता है एक्चुअल पास्चराइजेशन में। तो एक पास्चराइजर प्लान कैसे होता है, पास्चराइजर में फिर आपका होमोजेनाइजर भी आता है, आपका क्रीम सेपरेटर भी आता है, सारे कनेक्शन आपको पता चल जाएंगे, तो जो इक्विपमेंट्स है उनका रोल आपको एक आइडिया आ जाएगी, एक क्रूड आइडिया आपको आ जाएगी। इसलिए मैं सोचा कि पहले पास्टराइजर पढ़ते हैं, तो उसके बाद हम क्रीम सेपरेटर हो गया, होमोजेनाइजर हो गया, फिर सीआईपी हो गई, कि सीआईपी भी इससे पहले आती है, तो आई थॉट कि सीआईपी से पहले या क्रीम सेपरेटर से पहले या फिर होमोजेनाइजेशन से पहले हम सीख लेते हैं कि व्हाट इज पास्टराइजेशन, है ना। तो अगर पास्टराइजेशन हम पढ़ लेते हैं तो बेसिकली आपका सारा डेयरी इंजीनियरिंग कवर हो जाता है। तो दो तीन क्लास हम पास्टराइजेशन पे ही अभी इसको ही पढ़ेंगे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है यहाँ पे जो पढ़ेंगे आप। तो आप इसको थोड़ा अच्छे से ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए, है ना। मैं बीच बीच में कुछ वीडियोस भी शेयर करता चाहूँगा ग्रुप में, ताकि आपको एक अगर तो आप जाके प्लांट देख नहीं सकते, यहाँ का प्लांट मैं आपको दिखा दूंगा एक भले ही अपने कॉलेज का एक वीडियो बना के आपको शो कर दूंगा मैं, बट तो कुछ मेरे पास वीडियोज है, एनिमेशंस है, तो थ्रू दैट यू विल कम टू नो हाउ द मिल्क प्रोसेस प्लांट और पास्टराइजर लुक्स लाइक और हाउ इट वर्क्स। ओके, सो इसके बाद फिर पास्टराइजेशन के बाद तो ज़्यादा कुछ है नहीं, मैकेनिकल सेपरेशन तो पहले ही पढ़ लेते हैं, उसके इसके बाद शायद स्टैंडर्डाइजेशन है, फिर सीआईपी है, और यूएसटी प्रोसेसिंग आता है, स्टरलाइजेशन हो गया, यूएसटी हो गया, और लास्ट में शायद मिक्सिंग टैंक्स वगैरह है, और इनका केयर एंड मेंटेनेंस है। ओके, इतना पढ़ लिया तो आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा फिर। पहले हम देख लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये समझोगे तो बाकी चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी, अदरवाइज फिर सर आपको हवा में हो जाएगा। सो ठीक है, आज 18 लोग हैं, तो जो ऑब्सेंट हो गए उनको देखेंगे क्या है तो उनका। सो ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पास्टराइजेशन। सो व्हाट इज पास्टराइजेशन, क्या होता है, हम क्यों पास्टराइजेशन करते हैं, ये कब इन्वेंट हुआ, क्या हुआ, है ना, और पास्टराइजर को हम कहते हैं हार्ट ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री, है ना। मैंने आपको बताया था पास्टराइजर इज द हार्ट ऑफ द डेयरी इंडस्ट्री, तो कोई भी प्लांट बिना पास्टराइजर के नहीं चलता है। तो वीडियो ऑन कर लेता हूँ मेरा। ओके, सो पास्टराइजेशन इज द हार्ट ऑफ डेयरी इंडस्ट्री, और ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जो मतलब बिना बिना इसके वर्क करती हो, बिना पास्टराइजर के। आप कोई भी प्लांट जाइए, कोई भी प्लांट विजिट कीजिए, आपको पास्टराइजर वहां पे मिलेगा ही मिलेगा, है ना। सो आपके जितने भी
पाउच मिल्क होते हैं, दे आर पास्टराइज मिल्क, भले वो होमोजेनियस मिल्क ना हो बट वो पास्टराइज मिल्क होता ही है. सो ऑल इंडस्ट्रीज हैविंग पास्टराइजर, लाइक वो छोटी इंडस्ट्री होगी तो वहाँ पे एक पास्टराइजर होगा, बड़ी इंडस्ट्री तो वहाँ पे दो तीन चार लाइन्स भी पास्टराइजर की हो सकती है. सो तो ये हम क्यों करते हैं पास्टराइजेशन, और इसका क्या बेसिक फंक्शन है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, और ये कितना क्यों इम्पोर्टेंट है ना फ्रॉम द डेयरी पॉइंट ऑफ व्यू. ओके सो अब आपको पता है कि मिल्क मिल्क क्या है. जब मिल्क अडर से आता है, ठीक है, मिल्क जब काऊ के अडर से आता है या बफेलो के अडर से आता है, इट इज तब उसकी कंडीशंस क्या होती है, यू नो दैट मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. हमें पता है कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड, हम ऐसा बोलते हैं कि मिल्क इज अ कंप्लीट फूड. तो बिकॉज मिल्क कंटेन्स लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक फैट, SNF, वाटर, देन प्रोटीन, विटामिन्स. सो ऑलमोस्ट ऑल इंग्रेडिएंट्स जो एक बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है, फॉर न्यूट्रिशन डे बाय, मतलब डे टू डे न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीज चाहिए बॉडी के लिए ग्रो करने के लिए, वो सारे मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, मौजूद है. ओके सो दिस मिल्क इज अ, अब हमारे लिए ठीक है, तो फिर जो बैक्टीरियाज है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ईस्ट हो गया, फंगस हो गया, जितने भी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है छोटे छोटे, ठीक है, उनके लिए भी ये बेस्ट ग्रोथ मीडियम है. तो मिल्क इज अ पेरिशेबल प्रोडक्ट. अब मिल्क को अगर आप अडर में से जब निकलेगा उसको आप एज इट इज रख दोगे तो जल्दी खराब हो जाएगा, हार्डली 6-8 आवर्स में वो खराब हो जाएगा मिल्क. आपको उसको ऐसे ही एज इट इज मतलब रखोगे तो नॉर्मल टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, इट विल गेट स्पॉइल्ड इजीली बिकॉज बैक्टीरिया उसमें जल्दी ग्रो होते हैं, उनका सारा जो फोर्स है सारा अवेलेबल होता है उसके अंदर, तो मल्टीप्लाई करते हैं फास्ट. कोई उसमें भी लैक्टोज का लैक्टिक एसिड कन्वर्ट करता है. एक सेकंड है, थोड़ा 2 मिनट वेट करो आप, ठीक है, मैं पार्सल लेके आता हूँ. ओके ओके सो मिल्क इज अ वेरी पेरिशेबल प्रोडक्ट. ओके अगर आप इसको एज इट इज एक्सपोजर करोगे एट अ रूम टेम्परेचर, ओके, व्हाट विल हैपन, बैक्टीरिया और माइक्रोऑर्गेनिज्म विल ग्रो इन द एनवायरमेंट ऑफ द मिल्क वेयर इट विल गेट ऑल काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट विल मल्टीप्लाई वेरी क्विकली एंड स्पॉइल द प्रोडक्ट, ओके, स्पॉइल द मिल्क.
क्या होता है कि जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जा जब मिल्क में ग्रो होते हैं तो क्या होता है कि लैक्टोज का कन्वर्शन होता है लैक्टिक एसिड में, एंड ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ द एसिडिटी व्हाट विल हैपन, मिल्क विल स्पॉइल्ड. ओके, तो एक एसिड एसिड टेस्ट आती है जब मिल्क फट जाता है तो. ओके, या फिर आप ऐसे मिल्क को गर्म करते हो तो क्या होता है उसका छन्ना बन जाता है या पनीर बन जाता है. ओके, सो अब आपको पता है कि आपकी मदर यूजुअली क्या करती है जब घर पे मिल्क आते हो तो क्या करते हैं आप, उसको हीट करते हो. ओके, जब मिल्क मैन आपके यहाँ पे मिल्क लेके आता है एंड उसके बाद क्या होती है, मदर जो मिल्क है उसको बॉईल करती है अच्छे से. तो बॉईल किया मिल्क क्या होता है कि अगर आप सुबह को बॉईल करोगे तो आराम से शाम तक वो खराब नहीं होगा. ठीक है, 12 घंटे तक तो चलता है ऐसे एज इट इज, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे. या फिर आप उसको फ्रिज में रख दोगे या फिर रेफ्रिजरेटर में तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट डे तक भी ठीक रहे. ठीक है, पूरा एक दिन ठीक रहता है वो. आप अगर उसको रेफ्रिजरेशन कंडीशन तो रखते दो अराउंड बिलो 7 और 10 डिग्री सेंटीग्रेड, इट विल बी गुड फॉर अ डे. सो उसका पर्पस क्या होता है कि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो तो सारे मर जाते हैं, तो उनको ग्रो करने को चांस नहीं मिलता. फिर तो ऐसा कहते हैं कि जब मिल्क अंडर में होता है, अंडर में मतलब एक काउ के अंडर में जब मिल्क होता है तो इट इज इन स्टराइल कंडीशन. ओके, उसे कहते हैं कि इट इज इन स्टराइल कंडीशन, तो उसमें कोई बैक्टीरिया वगैरह कुछ नहीं होता है जब वो अंडर में होता है तो. ओके, बिकॉज जो काउ है या बफेलो उसके अंदर की जो जितने भी उसका जो इम्यून सिस्टम है या कुछ जो भी चीजें है, एंजाइम्स कही है या कुछ सेल्स कही है, एंटीबॉडीज कही है, कुछ भी हो, वो मिल्क को जो बैक्टीरिया से या वायरस से उनको किल कर देती है. तो मिल्क क्या होता है अडर में स्टराइल होता है जब बनता है तो. बट व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द अडर, ओके, ड्यूरिंग मिल्किंग जब मिल्किंग हम करते हैं तो क्या होता है, मिल्क अडर से बाहर आता है. सो एज सून एज इट कम्स इन द इन कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट और एयर, इट इज ससेप्टिव टू द माइक्रोबियल ग्रोथ. ओके, तो जितने भी सारे एयर्स में एयर हो गया या फिर जो भी उसका आजू बाजू जो कंडीशन है, ओके, उसके कांटेक्ट में जैसे ही एक्सपोजर होता है मिल्क का, इट विल कंटेमिनेट बाय दी माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो जितने भी सारे एनवायरमेंट बैक्टीरिया होते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दे कंटेमिनेट द प्रोडक्ट, ओके, थ्रू द एयर. एंड आफ्टर दैट इफ यू स्टोर दैट मिल्क एज इट इज और कीप एट इज इट और कीप द मिल्क एज इट इज, इट विल गेट स्पॉइल्ड वेरी इजीली. ओके, क्योंकि उनका जो ग्रोथ रेट होता है बहुत हाई होता है. 12 मिनट्स में एक कॉलोनी बन जाती है, मतलब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर लेता है खुद को. तो आपने इंट्रोडक्शन ऑफ डेयरी माइक्रोबायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा होगा कि देयर आर डिफरेंट फेज लाइक लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज यानी, एंड ग्रोथ फेज होती है, फिर लास्ट में होती है आपकी डेथ फेज होती है. ओके, सो 12 मिनट में बैक्टीरिया एक नई कॉलोनी बना लेते हैं, एक से दो हो जाते हैं. ओके, तो इतना इतना फास्ट उनका ये ग्रोथ रेट होता है. ओके, सो अब तो क्या होता है कि जब हम हिट करते हैं मिल्क को तो इसके अंदर जो कि जो बैक्टीरिया है जो इन्फेस्टेड हुए थे ड्यूरिंग मिल्किंग और अदर कंडीशंस, एयर से भी आए हो या जिस कंटेनर में हमने उसको ये किया था मिल्किंग की थी, तो जो कंटेनर हमने यूज किया था, दैट कंटेनर ऑल्सो बी अ कॉज ऑफ दी कंटेमिनेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिज्म्स. ओके, और कंटेनर भी अगर ठीक से गंदा हो, ठीक से क्लीन किया ना हो, तो दैट विल बी अ सोर्स ऑफ योर माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. सो विद द हेल्प ऑफ पास्टराइजेशन, सो इट्स पास्टराइजेशन इज बेसिकली अ काइंड ऑफ हीट ट्रीटमेंट. ओके, इट इज अ काइंड ऑफ हीट ट्रीटमेंट गिवन टू द मिल्क फॉर द किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड टू by which we can enhance the shelf life of the product. Okay, so ये जो पास्टराइजेशन है आपको पता है कि किसने कॉइन की है, मतलब किसके नाम से आई है? इट इज बेसिकली फर्स्ट कॉइन बाय लुईस पाश्चर. ओके, लुईस पाश्चर इज अ साइंटिस्ट, अ रिनाउंड साइंटिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ द मैनकाइंड. ओके, सो इट इज फर्स्टली कॉइन बाय द लुईस पाश्चर इन 1864. तो आप एक देख सकते हो कि यहाँ पे कितने साल पुरानी ये टेक्नोलॉजी है और तब जाके इन्वेंट हुई है in 1864. So, ये basically use हुई थी for pasteurization of
वाइन एंड बियर, ओके, जो वाइन्स होती है और ग्रेप्स से जो वाइन बनती है या बियर हो, ओके, तो इसमें क्या होता है कि अगर इसको ज़्यादा देर तक उसको अल्कोहल मतलब फर्मेंट करते हो तो व्हाट विल हैपन, इट सोर हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो ग्रो होने लगते हैं. तो एक टाइम के बाद आपको उसको उसको क्या करना होता है, बैक्टीरियाज की ग्रोथ जो है रोकनी होती है. ओके, अगर वो ऐसे ग्रो होते रहे तो क्या होगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी और प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, नो विल टेस्ट दैट प्रोडक्ट. सो बेसिकली जब लुईस पाश्चर इस पर काम कर रहा था कि इसको किसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ाए, कि जो सॉरिटी है उसको हम कैसे कम कर सके, तो इन दैट केस ही केम अप विद द टेक्नोलॉजी कॉल्ड एज अ पाश्चराइजेशन. तो इस पाश्चराइजेशन बेसिकली इन्वेंटेड फॉर द बियर एंड वाइन, ओके, टू प्रिवेंट द वाइन एंड बियर फ्रॉम सोरिंग. बाद में फिर दिस टेक्नोलॉजी देन कॉपी इन अदर प्रोडक्ट्स आल्सो लाइक मिल्क, अदर डेयरी प्रोडक्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स टू. सो दिस आर द बैकग्राउंड ऑफ दिस कंसेप्ट दैट इज पाश्चराइजेशन. सो मिल्क इज एन एक्सलेंट मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म. हमने डिस्कस किया अभी कि मिल्क में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रोजेंस होते हैं, वायरसेस भी आ सकते हैं उसमें, ईस्ट भी हो सकती है, कोलाफाम हो सकता है, मोल्ड भी हो सकता है, बहुत कुछ आ सकता है उसमें. ओके, सो और अब जब मिल्किंग करते हैं तो क्या होता है कि जब मिल्किंग, एक तो एनिमल हो गया, अब ये क्या हो गया, ये मिल्क कहाँ से आ रहा है, मिल्क कमिंग फ्रॉम दी एन एनिमल, उसके अर्डर से आ रहा है. अब एनिमल इज अ क्या है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ओके, सो लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका मतलब क्या है, उसके बॉडी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, कुछ वायरस हो गए, उसको भी कोई बीमारी हो सकती है. ओके, सो दिस एनिमल विल बी अ कैरियर ऑफ डिसीज. ओके, दिस एनिमल मे बी सफरिंग फ्रॉम टीबी, सफरिंग फ्रॉम अदर काइंड ऑफ डिसीज लाइक फूट एंड माउथ डिसीज, अदर वायरल डिसीज, अदर बैक्टीरियल डिसीज. सो दिस माइक्रो दिस एनिमल्स मे बी अ कैरियर ऑफ काइंड ऑफ डिसीज, और उसका डिसीज होगा तो क्या होगा, जो मिल्क आ रहा है उस मिल्क में भी क्या होगा, उस मिल्क में भी उस डिसीज के कुछ बैक्टीरिया या वायरसेस आ सकते हैं, या फिर जो पर्सन वहां पे मिल्किंग कर रहा है, ओके, जो पर्सन वहां पे मिल्किंग कर रहा है उस केस में क्या हो सकता है कि अगर उस पर्सन को टीबी है और या कोई और बीमारी है, तो जब वो खांसेगा या कुछ स्नीजिंग करेगा या उसके हाथ गंदे है, तो क्या होगा उस केस में, वो जो बैक्टीरिया वो सीधे किस कांटेक्ट में आएंगे, इट विल कम इनटू द कांटेक्ट ऑफ मिल्क. वो खांसेगा तो क्या होगा, जो ड्रॉपलेट से उस किस में जाएंगे, लाइक इन केस ऑफ कोविड क्या होता है, हम खांसते तो मास्क लगाते हैं, तो किस लिए, अवॉइड करने के लिए. तो सेम केस में अगर मिल्क किंग कर रहा है कोई बंदा, जो मिल्क है मिल्कमैन वहाँ का, तो अगर खांसता है, उसको बीमारी है, टीबी है या कुछ और बीमारी है, तो क्या होगा, उसके जो ब्रीदिंग करेगा या खांसेगा, स्नीजिंग करेगा, तो सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म्स मिल्क में चले जाते हैं. फिर मिल्क को अगर हम ऐसे ही पी लेते हैं, अगर मिल्क कोई पी लेता है उसको एज इट इज बिना गर्म किए, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म्स चले जाएंगे उसके बॉडी में और फिर वहाँ पे वो ग्रोथ करेंगे और सामने वालों को भी टीबी होने के चांसेस होते हैं. तो ऐसे बहुत बार देखा गया है कि इस तरह से लोगों को टीबी हुई है थ्रू एनिमल और थ्रू मिल्कमैन और अदर काइंड ऑफ पर्संस. सो अब मिल्क कैन बी अ कैरियर ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया. हम पैथोजेनिक क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ठीक है बाकी जो बैक्टीरिया है दे आर हार्मफुल बट दे आर नॉट लीथल. ओके, हार्मफुल है ठीक है, थोड़ा बहुत आपका पेट खराब हो सकता है या मिल्क को खराब कर देंगे वो, बट कुछ कुछ जो बैक्टीरिया है वो दे आर रियली लीथल, मीन्स वो आपके अगर बॉडी में चले गए तो क्या होगा, आपकी इट विल आपकी बॉडी में डिसीज हो सकता है उस तरह का, आपको टीबी हो सकती है, आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है. सो बेसिक ऑफ पाश्चराइजेशन इज की हमें क्या करना था, पाश्चराइजेशन क्यों करना था हमें, हमें किल करने होते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया. अब पैथोजेनिक बैक्टीरिया मीन्स कौन से होते हैं, पैथो
जेनिक, दिस इज कॉजिंग बैक्टीरिया, दिस इज कॉजिंग, जो बैक्टीरिया होते हैं उनको हमें मारना होता है, ताकि क्या है जो मिल्क है इट शुड बी अ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इवन ह्यूमन नहीं जितना भी है, अगर कोई आप आपके घर के आपके घर में डॉग है या कोई और एनिमल है तो उसको भी आप अगर मिल्क पिला रहे हो तो वो भी बैक्टीरिया उसके बॉडी में जा सकते हैं और वो भी बीमार पड़ सकता है. सो बट बेसिकली हमें चाहिए कि मिल्क जो हो क्या हो, पैथोजेनिक फ्री हो, मतलब उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया ना हो मिल्क के अंदर विच कॉजेस डिसीज. सो बेसिक ऑफ पास्टराइजेशन, बेसिक पर्पस ऑफ, वेरी बेसिक पर्पस ऑफ पास्टराइजेशन इज टू किल्स द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इन द मिल्क. मिल्क के अंदर के जितने भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया है उनको किल करना, ये वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट मोटिव है हमारा, फर्स्ट गोल ऑफ द पास्टराइजेशन टेक्नोलॉजी. सेकंड हमारा क्या होता है कि टू इनएक्टिवेट द स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म. टेम्परेचर बहुत कम होता है, मतलब हार्डली 72 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ओके, या 63 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 72 डिग्री सेंटीग्रेड इनकेस ऑफ 15 सेकंड तक हमें उसको हीट करना होता है, और अगर हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड तक मिल्क को हीट करते तो हमें कंटिन्यूसली 30 मिनट तक उस टेम्परेचर पर उसको हीट करना होता है. तो उसमें दो टेक्निक्स होती है, एक होता है लॉन्ग टाइम लॉन्ग टेम्परेचर, एक होता है शॉर्ट टाइम शॉर्ट टेम्परेचर, सॉरी यस शॉर्ट हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, HTST लॉन्ग टाइम लॉन्ग टेम्परेचर, ओके हाई टेम्परेचर. सो इस LTLT एंड HTST इस तरह की दो टेक्नोलॉजीज होती है हम यूज करते हैं पास्टराइजेशन में. तो अब पास्टराइजेशन हर माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल नहीं करता, हर माइक्रोऑर्गेनिज्म का अपना एक एक, एक थ्रेशोल्ड या क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ पे वो मर जाता है. तो कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं जो 40 डिग्री सेंटीग्रेड मर जाएंगे, कुछ 50 भी मर जाते हैं, कुछ 60 पे, कुछ 17 पे, कुछ 100 पे मर जाते हैं, कुछ 100 पे भी नहीं मरते, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, मतलब क्या होता है स्पोर बना लेते हैं वो खुद के सामने, एक प्रोटीन कोट होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड भी सर्वाइव कर लेते हैं, वो इनेक्टेड हो जाते हैं, दे विल नॉट मल्टीप्लाई बट उसमें मौजूद रहेंगे, ओके. तो जितने भी सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं वो क्या होते हैं, 10 मिनट टाइम है ठीक है, हम इसको फिर से रिकरिंग करेंगे, हम ज्वाइन कर लेना ये खत्म होने के बाद. तो जितने भी सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है वो किल हो जाते जनरली इस पास्टराइजेशन टेम्परेचर पे. तो पास्टराइजेशन टेम्परेचर डिपेंड होता है, मतलब जो इफेक्ट है इसका हम उसको वेरी भी कर सकते हैं, तो डिपेंड अपॉन टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन कितना है दोनों का. 17 पे टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उतना ही टाइम आपका कम हो जाएगा. 135 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें सिर्फ 2 या 3 सेकंड तक मिल्क को हीट करना होता है, ओके. वही अगर हम 63 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो हमें उस केस में 30 मिनट तक रखना होता है. तो आप देखिए कितना ह्यूज टाइम डिफरेंस है. सो हर एक माइक्रोजेंस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है जहाँ इसके बाद मर जाता है या फिर इनएक्टिव हो जाता है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है. तो जितने भी सारे, तो जो साइंटिस्ट उन लोगों ने स्टडी की कि किस टेम्परेचर पे हम अगर मिल्क को हीट करेंगे तो मिल्क विल बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, तो मिल्क के अंदर कोई बैक्टीरिया नहीं आएंगे, इट विल बी सेफ फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल्स ली, टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन को उन्होंने स्टडी किया, लो टेम्परेचर तो कितना, हाई टेम्परेचर तो कितना हम रख सकते हैं, मिनिमम रखना चाहिए हमें कि ताकि मिल्क जो है वो इट विल बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से पैथोजेनिक, लाइक ट्यूबरक्लोसिस टीबी हो गया आपका, ब्रुसेलोसिस हो गया, डिप्थीरिया हो गया, स्कारलेट फीवर एंड क्यू फीवर, ये जितने भी सारे ये है ना डिसीज, ये इन्होंने हजार लोगों को मार दिया है, ठीक है, हजार लोग इनसे मरे हैं, हर साल मरते हैं और वेरी वेरी लिथल डिसीज और डेंजरस डिसीज, ब्रुसेलोसिस हो गया, क्यू फीवर हो गया, आउटब्रेक होते हैं. तो फिर उन्होंने स्टडी किया कि अगर हम 63 पे अगर 30 मिनट के लिए मिल्क बॉयल करते हैं
that milk will be safe for the human consumption. Okay, so उसी प्रकार से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर हम 50 सेकंड उसको हीट करते हैं, इट विल बी अ पैथोजेनिक फील्ड। तो हमेशा आप ध्यान में रहिए कि कोई अगर पाश्चराइजेशन की डेफिनेशन पूछता है, क्यों करती है पूछता है आपको, तो वेरी बेसिक आपको पहले आना चाहिए कि टू मेक अ मिल्क फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और सेकंड टू इनेक्टेड द माइक्रोनिजम्स अदर माइक्रोनिजम्स और टू रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर माइक्रोनिजम्स। ये दो चीज़ें होती हैं। तो हर एक कंट्री का अपना अपना एक पास्टराइजेशन का एक मतलब उनका रेगुलेशन होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं। जैसे इंडिया का जैसे FSSAI बॉडी है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्होंने अपनी एक डेफिनेशन दे चुकी है। US में आपको अलग डेफिनेशन मिलेगी पास्टराइजेशन की। टेम्परेचर थोड़ा बहुत सेम होगा, नियरली सेम ही होगा, बट सबका बट ये लीगल आस्पेक्ट्स है। अगर आप मिल्क को मार्केट में बेच रहे हो, मिल्क पाउचेस, ओके, इट मस्ट बी पास्टराइज। वो होमोजेनाइज नहीं हुआ तो भी चलेगा, बट मिल्क को आप बेच रहे हो मार्केट में तो आपको पास्टराइज करना ही करना है, ठीक है, अदरवाइज उसको आप बेच नहीं सकते मार्केट में। सो ये बेसिक इसका इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंस है कि टू मेक द मिल्क पैथोजेनिक फ्री। सो ये तो हो गया पास्टराइजेशन का बेसिक कंसेप्ट, क्या था कि हमें करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इट किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया लाइक सेल्मोनेला, लिस्टेरिया, एर्सिनिया, कॉम्पिलोबैक्टर, स्टेफलोकोसोरियस, एसर्शिया कोलाई, ये डिफरेंट डिफरेंट जो स्ट्रेन्स है, ये सारी की सारी हार्मफुल बैक्टीरिया है, ठीक है। ये इतने सारे डिसीज हो सकते हैं हमें, तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए हमें मिल्क को हीट करना होता है। बेसिक एक लॉजिक है इसमें, प्रिंसिपल है कि हीट करो और मारो, ओके, हीट करो। और इससे क्या होता है कि अगर फिर बैक्टीरिया मर जाए तो क्या होगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मिल्क में होते हैं, अगर मर जाए तो क्या होगा, जो लैक्टोज होगा उनका कन्वर्शन लैक्टिक एसिड में नहीं होगा, तो उससे मिल्क क्या है बचा रहेगा हमारा लॉन्ग टाइम तक। तो अगर आप सुबह को मिल्क अगर आता है उसको गर्म करोगे तो रात तक वो अच्छा रहता है। आप घर पर एक्सपेंड कर सकते हो, मिल्क लीजिए, हाफ मिल्क करिए, दो बर्तन रखिए, एक को आप हीट करिए, एक को हीट मत करिए, उसको ऐसे छोड़ दीजिए, सुबह हीट कर दीजिए 8 बजे 9 बजे, शाम को उसको चेक करिए कि कौन सा वाला मिल्क अच्छा है कौन सा खराब हो गया। ओके, यू विल कम टू नो दैट अनपॉस्चराइज मिल्क और अनहीटेड मिल्क विल बी स्पॉइल्ड ईजिली, ओके, वो खराब हो जाएगा शाम तक, पर जो हीटेड मिल्क है वो अच्छा बना हुआ रहेगा, आपको दिखेगा, उसमें एसिडिटी डेवलप नहीं होगी। तो ये हो गया आपका पाश्चराइजेशन का एक इंट्रोडक्शन। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि हर एक कंट्री की अपनी एक डेफिनेशंस होती है, एक लीगल भी होता है, स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो मार्केट में प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो FSSAI इज अ हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट बॉडी इन इंडिया, जो रेगुलेट करती है जितने भी सारे पैकेज फूड हैं या रॉ फूड भी हैं, उनको अगर आप बेच रहे हो तो उन वो आपको बनाने पड़ते हैं, प्रोसेस करने पड़ते हैं अकॉर्डिंग टू ये एक्ट, ये दिस स्टैंडर्ड्स विच इज FSSAI एक्ट। इसका एक एक्ट आता है, इसमें सारे प्रोडक्ट्स कर उन्होंने कवर कर चुके हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स भी उसमें, बाकी अदर फूड प्रोडक्ट्स भी है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, उनको आपको कैसे ही ट्रीटमेंट देनी है, कितना आपको कंपोजिशन रखना है उसमें, क्या उसका परसेंटेज होगा, टोन मिल्क में कितना होगा, डबल टोन में कितना होता है, स्टैंडर्ड मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, होल मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, काउ मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, बफेलो मिल्क में कितना फैट होना चाहिए, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है, आइसक्रीम में कितना फैट होना चाहिए, ये सारे जो स्टैंडर्ड्स है प्रोडक्ट के, ये सारे FSSAI ने दे चुके हैं और उसके अकॉर्डिंग हमें उतने रखना होता है। उसके अगर आप नीचे रखते हो तो आपको पेनल्टी हो सकती है, आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है और आपको पेनल्टी भी हो सकती है और आप जेल में भी जा सकते हो, ठीक है। तो सो अकॉर्डिंग टू FSSAI व्हाट इज द पाश्चराइजेशन और पाश्चराइज प्रोडक्ट, सो आप यहाँ पे देख सकते हो पाश्चराइजेशन, पाश्चराइज एंड सिमिलर टर्म्स मीन्स माइक्रो बीसीडल, ओके,
microbial sidal means to kill. Heat treatment aimed at reducing the number of any pathogenic microorganisms in milk and liquid products. Any pathogenic microorganisms, okay. ऐसा नहीं कोई स्पेसिफिक. Reduce the number of any pathogenic microorganisms in milk product if present to a level at which they do not constitute a significant health hazard. Okay. Pasteurization conditions shall be designed to effectively destroy the organisms Mycobacterium tuberculosis and Coxsackie Burnetii. Okay. तो इसमें कहा गया है कि पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनको आपको रिड्यूस करना है इतने नंबर तक कि जो हार्मफुल ना हो ह्यूमन को. एम एट रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एनी पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बोथ अगर उसमें हो तो इफ प्रेजेंट टू ए लेवल एट विच दे डू नॉट कंस्टिट्यूट अ सिग्निफिकेंट हेल्थ हजार्ड. तो इस लेवल तक आप उसको रिड्यूस करना होता है कि इट शुड नॉट कॉज एनी हेल्थ हजार टू द कंज्यूमर. जो कंज्यूम कर रहा है हूवर इट मे बी एनिमल इट मे बी अ किड इट मे बी अ अडल्ट इट मे बी अ ओल्ड पर्सन हूवर इट मे बी इट शुड बी फ्री फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और इट्स लेवल शुड बी सच दैट इट शुड नॉट अमाउंट टू अ any health condition. और इसमें क्या के pasteurization condition shall not be designed to effectively destroy the shall be designed to effectively destroy the organisms Mycobacterium tuberculosis and Coxsackie Burnetii. तो ये जो है ये दो जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं they are called as the index microorganisms. Index microorganisms of the अगर किल हो जाते हैं तो बाकी भी किल हो गए ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं. फिर अगर किसी चीज को हमने हीट ट्रीटमेंट कर दिया मिल्क को और उसमें अगर ये दो चीजें नहीं है ये दो माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है उसके अंदर इसका मतलब है कि बाकी भी नहीं हो गए बिकॉज दीज आर दी मोस्ट हीट रेजिस्टेंट माइक्रोऑर्गेनिज्म्स पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म्स व्हिच मे कॉज डिजीज. तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हिच आर द इंडेक्स माइक्रोऑर्गेनिज्म पास्टराइजेशन एक तो आप माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोल सकते हैं या कॉक्सिलाबर्नेटी. तो जनरली